His name is synonymous with the dance form of Odissi. The story of his life is one of struggle and unending dedication, as is true of most kinds of genius. He says that dancing is sadhana and teaching is dharma. Today, we meet the 75-year-old veteran guru, Kelucharan Mahapatra. Your father did not appreciate your entering the field of dancing because he considered it to be effeminate. I was wondering how you overcame this parental influence and continued to dance. हमने कंटिन्यू किया कि हमने तीन साल तक गोटीपुर डांस शिक्षा ले सकते थे लेकिन फंक्शन देने के लिए जा रहे थे तो पिताजी मना किया तो हमने बहुत दुख प्रकाश किया लेकिन पिताजी मुझे लेके मोहन सुंदर देवगोष्ठी में के चरणों में क्योंकि वहाँ से रास नृत्य हो रहा था तो गोटीपुर से रास नृत्य करने के लिए मुझे वहाँ से छोड़ दिए और वहाँ से मैंने 10 साल तक बाल्य कृष्ण से द्वारिका कृष्ण बनने तक गोपी राधा ललिता विशाखा जशोदा इत्यादि हर एक रोल में हमने बहुत उन्नति की है और द्वारिका कृष्ण बनने तक मुझे पिताजी अपना शायद मैंने गोपी के रोल में था पिताजी के देहांत हो गए 4 साल के बाद और उन्होंने बोल के गए थे तीनों बात कि मैं से जिसकी लाइन में इनको छोड़ा तो मेरा नाम रखे या अपना देश का नाम रखे तो ऐसे प्रेरणा मुझे से मिला था तो जिसके पास से मैंने 10 साल प्रभुपाद गोस्वामी के चरण में सब नृत्य एवं रहस्य की अभिनय में कैसे कवित्व में अभिनय किया जाता है ऐसे सब शिक्षा मुझे प्राप्ति हुआ Tell us about your role of Nataraja in Devi Bhasmasura, which is said to have given you your first big break, as I've heard. हाँ, जब हम पहले पिताजी तो मेरे मृदंग बजाते थे, मैं भी मृदंग भी थोड़ा सा सीखा और मदर भी सीखा, तबला भी सीखा, बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट थिएटर पार्टी में नौकरी करने के लिए बहुत कुछ यंत्रपाती टीकोरा ढोलक बहुत कुछ मादल फूक से शुरू करके और मदर जब बजाए तो इनमें से मैंने वही बजाने के लिए थिएटर पार्टी में अपना नौकरी मुझे मिला है और अपना जब नौकरी करने के समय में मेरी पत्नी जो अपना मैंने दोनों एक साथ नाच करते थे तो दोनों की हमारी शादी भी हुआ तो इसी समय से हमने देखा कि हमने जब नटराज डांस किए हैं वो नटराज डांस से प्रभावित जनता भी हुए प्रभावित तो मेरे जो पत्नी देवी हुए और पत्नी देवी के उड़ीसी नृत्य के माध्यम से हम दोनों का जीवन सार्थक भी हुआ आज कला को लेकर मैं इतनी आगे तक बढ़े और इनमें से मैंने अपना को भाग्यवान मन सोचता हूँ कि कला में साधन करके कलाकार पत्नी को मिला और कला ईश्वर को भी मिला मुझे You have received several awards and accolades such as Padma Shri, Sangeet Natak Academy Award, Padma Bhushan, Doctorate, Kalidas Award and recently the Padma Vibhushan. What next? हमने साधन किए और कर्म किए फल को मैंने आशा नहीं किया कि मुझे क्या फल मिलेगा ईश्वर ने ये सब फल मुझे दिए हैं अब नेक्स्ट में मुझे कौन सा फल लेंगे ईश्वर को प्राप्ति हो मुझे मालूम नहीं आई एम गोइंग टू आस्क यू इफ यू कैन डेमोंस्ट्रेट टू अस योर वर्जन ऑफ राधा आई हैव सीन राधा इन यू बट आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू सी इट टू मैंने कुछ अभिनय करके एक लाइन कुछ दिखाऊंगा स्वाधीन भत्रिका कुरु रघु नंदन चंदन शिशिर तरेण करेण पयोधरे बस मैं अभिनय कर लेता हूँ लेकिन इसका जो डिटेल्स मीनिंग
बता देंगे। तो थोड़ा सा बस यही है, करो जदु नंदन चंदन शिशिर तरे न करे न पयो धरे। चंदन शीतल है मगर इससे बढ़ के अपना हस्त और शीतल है। तो ऐसे समूह को परिपार होके जो मन में जो मेरी रति भावना है इसको जय करो। हमने अभी जो अभिनय कर रहे हैं कि जैसे मेरे सामने से कृष्ण बैठे हैं और राधिका हंस के गुरु जदु नंदन चंदन शिशिर तरीन करे न पयो धरे। ये गुरु जदु नंदन मृग मद पत्र कमत्र मनोभव मृग मद पत्र कमत्र मनोभव मृग मद पत्र कमत्र मनोभव मंगल कल सहो दरे निज गाद जदु नंदने क्रीड़ति हृदय नंदने। You feel that dance is an economically viable profession in today's world? कलाकार हर समय में कुछ न कुछ इनको सहायता चाहिए। कई भी पहले राजा महाराजा जमींदार लोग कला को सेवा करते थे, आजकल वो लोग सेवा नहीं करते। अपना को कुछ क्षण के लिए कमाना चाहिए। जो कलाकार सच इसमें जान दिए हैं, कोई इसमें खानदान नहीं है कि जो खानदान में आके अपना कुटुंबों को निभा करेंगे और अपना ऐसे ही मुफ्त में कला प्रदान करते रहेंगे। इसके लिए कुछ जरूरत है, अपना को मेहनत करना पड़ता है, कुछ कला प्रवेशन करना पड़ता है, परिवेशन करना पड़ता है, इनमें से कुछ कमाना पड़ता है, खा पी के भी फिर कला को अतीव अतीव आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। और ये प्रोफेशन हमने किए हैं कि कला की सेवा भी हो, परंपरा जीवित रहे और कला आगे इसी प्रकार की बढ़े। किसी के अवदान से, किसके परिश्रम से ये कला की सेवा होते रहे। Do you feel that dance is effeminate and suitable only for girls? ना, समझते हो पाए। और किताब में नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, अभिनय चंद्रिका, अभिनय दर्पण प्रकाश इत्यादि ग्रंथों में तांडव लास्य की नृत्य है। तो इनमें से कुछ समय था लड़की का नृत्य कालक्रम में खत्म हो गया था, क्योंकि लड़की नृत्य करेंगे तो आम जनता के घर में इतना शोभा नहीं लग रहा था। सिर्फ आदिवासी और गांव पूर्वपल्ली में अपना फेस्टिवल में नृत्य करते थे। फिर आज के जमाना में जब नृत्य की सारांश अनुभव किए हैं तब जाके लड़कियां आके नर्तन करने लगे। तो अभी लड़का भी करते हैं नर्तन और लड़कियां भी नर्तन भी करते हैं। You have been compared to Charlie Chaplin for your most inspired gestural acting by American critics. Have you ever watched
any of Chaplin's movies or have you ever imbibed any of his techniques? जो कुछ अभिनय हम कर रहे हैं इसी अभिनय में अपना सच प्राण दे के सात्विक अभिनय से अपना को तृप्त अनुभव करना चाहिए जो कि सारे दर्शकों को वही भाव को अपना प्रदर्शन करा सकते हैं तो ऐसे जो जिनके नाम लिए हैं तो वो इनके मुंह में तो मेरे नाम नहीं आ रहा है लेकिन मैं पिक्चर देख रहा हूँ हर एक कलाकार को भी देख रहा हूँ कितनी जीवन दे के वो अपना कला को प्रदर्शन करा रहे हैं ये तो हमारी मार्ग है मार्गदर्शन से हमको मार्ग मिलता है कुछ करने के लिए Do you use more Natyadharmi or Lokadharmi in your dancing? And can you also demonstrate Krishna in both? देखिए Lokadharmi and Natyadharmi जी Lokadharmi जिसे सखी भाव सखी नाम तो कृष्णा जिसे लोकधर्मी यानी नाट्यधर्मी बहुत सब Your institute in India. It is, you are doing a lot of archival work, I have heard. What have you perceived through Srajan? जो कुछ हमको संपत्ति मिला है हम चले जाने के बाद मेरे साथ चले जाएगा वो नहीं है कुछ मुझे रख के जाना चाहिए तो जैसे मेरे भगवान ने मेरे बेटा को दिए हैं तो इनके लिए मैंने तो अपना सेवा कर रही कला को और जो सेवा से सारे जैसे मेरे परिवार वर्ग मेरे स्टूडेंट हो तो ये सारे स्टूडेंट को दिया है सब उन लोग रखे हैं और उपभोग करते हैं बड़े बड़े कलाकार बनते हैं फिर भी मैंने सारे चरित्र को लेकर इकट्ठ करके रख के जा रहा हूँ और मेरे बेटे ने वो अपना सब कुछ हमारी पसीना से जो कुछ पैसा आया है इसमें से कुछ करके भी इनको दे के जा रहा हूँ कुछ करो भविष्य के लिए रख के जाओ ये मेरे उद्देश्य है कि मैं चले जाऊँ मेरे साथ कला चले जाएगा ये नहीं होना चाहिए ये सारे जिंदगी भर युग युग जैसे जनरेशन चलते रहेगा यही भविष्य की आशा ले के हम अपना स्कूल में आर्काइव का बंदोबस्त करके गए और इसको सब देखभाल कर रहे हैं मेरे लड़का What do you feel about the migration of dance from temple to theater? Do you feel that it has lost some of its charm and beauty in the process? बहुत विराट कहानी है इसके मगर इसमें से छोटा से मैं बोल सकता हूँ कि कुछ समय ऐसा था आर्य अनार्य संघर्ष के समय में मुगल की परिस्थिति आके उत्कल में जब स्थिति हो गया तो जगन्नाथ धर्म को लुप्त करने लगे तो इसी समय में जो राजा महाराजा अर्पित करते थे देवदास ही जगतपति को और नृत्य करते थे तो वो सब संघर्ष की वजह से सब लुट गए विचिन्न हो गए तो विचिन्न होने के बाद फिर जब हमारी ये समय आके पहुंच गया स्वाधीनता आ गया स्वाधीनता के 100 साल के अंदर में से ब्रिटिश थे और ब्रिटिश जमाना थे तो इस समय में से ब्रिटिश ने जो मुगल की पीरियड में संघर्ष था
और फिर ब्रिटिश के समय में देवदास लोग को फिर हमारी अधिकार को हमें पूरा करना चाहता हूं कि जगतपति के सामने में नृत्य करेंगे, तो ब्रिटिश ने इसको काट दिया कि ये नृत्य को अभी रंगमंच में हो सकता है, कोई अलग दिशा से हो सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर में नहीं हो सकता, पवित्र भावना को लुप्त करेंगे। तो सेवा ही रहा लेकिन नर्तन हट गया, इतनी तक नुकसान हुआ। और इसके लिए देवदास लोग जो भी थे वो धीरे 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 इनका वंश लुप्त हो गए आज की जमना में, और 5 साल के अंदर में थे, अब 5 साल के अंदर में आज नहीं है कोई देवदास। एक ऐसे ऐसे कुछ है, तो इनके आज भी जो हम लोग मिलके वही सेवा कर रहे हैं, जगत चरणपति के चरणों में नहीं करते थे, अभी मंच में कर रहे हैं, जगतपति को रख के इसको ध्यान करके वही कला की पूजा हो रहा है। चला साखी पूंगम सती मेरा पूंगम, चला साखी पूंगम सती मेरा पूंगम, चला साखी पूंगम सती मेरा पूंगम, चला साखी perceive the many modern works that are being presented today in India. People are taking traditional movements and reworking them in a modern way and presenting modern themes. How do you feel about that? आज के आधुनिक युग में पेंट शर्ट कोट पहन के वो तो हमारी जीती नहीं है, हमें ब्रिटिश देख के पेंट कोट शर्ट पहने हैं, हमारी धोती और हमारी गमछा अंगवस्त्र डाल के जो करते हैं वो अलग बात है। तो वहाँ से समझते हैं कि आज के बराबर से जो नृत्य चलन हो रहा है, तो कभी वो अंग का अलग तरीका, हम बोलेंगे कि हमारी त्रिभंगी में बक्षण चलना है, और कोई लोग इसको कॉपी करके फिर भी अपना जड़ रकट बाहर करे तो वो तो अलग तरीका, वो इसका वातावरण है, वो वातावरण हमारी इसे चलता नहीं है। हमारी पद्धति के अनुसार एक शरीर को त्रिभंग कैसे हमने किए हैं, तो त्रिभंग में समभंग दोनों को जो मिला है, तो त्रिभंग समभंग में जैसे समांग एंड नाउ त्रिभंग फिर समांग, तो त्रिभंग समांग को दोनों चलाने से हमारे नर्तन की ये हिसाब इसके बराबर है। और लोग धर्मी जो अपना चासी खेत बनाता है अलग अलग तरीके परिवेश में करते हैं, धान खेत लेके धान को कूटते हैं, धान के इसे लेके फिर इसको ये करते हैं, तो लोक धर्म के हिसाब से ये हमें बोलते हैं कि इसको हमें मदर नहीं बोलेंगे, पल्ली नृत्य बोलेंगे। तो मॉडल के हिसाब से आज जो धर्म पकड़ा जाता है तो वो जैसे कि क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसका क्या रॉकेट ना झकट नहीं, इसको ऐसे ये थोड़ा मुझे क्योंकि वो तो आज के समय में बस देखे जैसे कि आदिवासी कुछ ताल निबद्ध होगा तो अंग हिला है, झूमता है बदल खूब आनंद से, हाँ तो खूब जम के इनका कुछ ये करते हैं, तो इसका भाव में सवाल रहता है। लेकिन आजकल लोग तो वैसे ये करके ये तो अलग है, क्या वो तो चलन अलग ही है, हमारी भारत के लिए वो सब
अंग प्रचलन नहीं है। आजकल सिनेमा में बहुत ये सब अंग बहुत हो गया है, तो हमें किसी को कंप्लेन करना नहीं है। हमारे अंग को हमें कैसे रखे, आजकल लोग नाम लेने के लिए माइकल जैक्सन के साथ और अपना ओडिसी डांस का प्रभावित कर दिए, तो इनका समझ में नहीं है ओडिसी का क्या सुचारू रूप है और माइकल जैक्सन का क्या अपना सुचारू रूप है। वो इसमें दिमाग में सोचना चाहिए कि कैसे लेना चाहिए। वो अपना ढंग दिखाते हैं, वो अपना ढंग दिखाओ, तब तो कंपैरेटिव होगा कि वो ये भारतीय है, ये अपना विदेश के चलन की रीति है। कोई चलन की कोई कला किसके खराब नहीं हो सकता है। अपना अपना देश के लिए अपना अपना रीति को मानना चाहिए। Tell us what dance is to you. भगवान के चरण में जल्दी पहुंचने के लिए मेरे एक ही मार्ग। How would you like history to remember you? समुद्र का ढेव बराबर चलता ही है, लेकिन कौन सा ढेव किसी समय में आया और कौन सा ढेव किसी समय में गत हो गया, कोई इसको याद नहीं रख सके। समय की जो गति है, कभी भी ऊंचाई देता है, कभी भी फिर ऊपर उठता है, फिर कभी नीचे होता है, कभी फिर भी समान होता है, फिर भी समय आता है। तो समय की वजह से जब कुछ समय इसका स्लो मोशन हो गया, फिर भी कभी समय में फिर झड़ के तूफान से गति करता है। वो हर एक जगत का नीति के सारे चीज को ऐसे ही गति में चलता है, ऐसे हमारी कला भी चलते रहेगा। कला कभी नहीं मिलेगा, कला ही ब्रह्मांड है। कला को जिस रूप में अपना अवस्था में रखो, वो कला की परिचय देगी। कला जिस समय में आज पतन हो गया, वो कला की परिचय है। जब उड़ गया तो कला की परिचय है। तो कला कभी नहीं मिलेगा। कला इतिहास बराबर जब तक है, संसार जब तक है, कला ही चलता रहेगा। जब कला नीरव हो गया, तब तो श्मशान हो गया। It has been a pleasure having you with us, Guruji. Thank you very much. Namaste.